पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कालरा। तो बजट का हफ्ता तो निपट गया और अब बजट को लेकर काफ़ी सारे लोगों की यही बात है और जिसकी वजह से हमने ये नाम भी रखा कि एक संतुलित बजट है। ये एक सावधानी से सोची समझी रणनीति के साथ बनाया गया बजट है। ज़्यादातर मार्केट के एक्सपर्ट्स इसको मैक्रो लेवल पर एक बेहतर बजट बता रहे हैं। क्या इकॉनमी या मैक्रो लेवल पर इस बजट को ठीक होने के बाद बाजार के लिए भी उतना सही बजट होगा, ये आज काफ़ी हद तक पता लगेगा, क्योंकि शुक्रवार को हमारे पास समय सिर्फ 3:30 बजे तक का था रिएक्शन देने का। तो आज थोड़ा और इसके बारे में हम जानकारी भी लेंगे, समझेंगे भी। लेकिन ठीक उससे पहले, ग्लोबल मार्केट हमारे हक में नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स में जो संकेत है वो कमजोरी के हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जो बता रही हैं कि आगे चल के भी ग्लोबल बाजारों के अंदर आपको चिंता ही दिखाई देगी। आज हम एक काम करते हैं, ग्लोबल मार्केट को दो हिस्सों में जानते हैं। पहला, एशियन बाजार आज ज़्यादा कमज़ोर क्यों हैं और दूसरा, यूएस और यूके में क्या हुआ है। तो संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बताएंगे। फिर बाद में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे बजट से जुड़े हुए कुछ एक अहम फैसलों का मार्केट पर असर और आज की रणनीति भी। तो दोनों के लिए अब तैयार हो जाइए। पहले जरा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग। पहले तो जरा यूएस का और यूके का हाल मेरे को बताएं, फिर मैं जरा एशियन मार्केट्स के बारे में आपसे पता करता हूँ कि आज ज़्यादा गिरावट यहाँ क्यों है। देखिए, यूएस के मार्केट की जहाँ तक बात है तो शुक्रवार को 127 फीसदी के आसपास की गिरावट वहाँ देखने को मिली। चार दिन से आप देखिए डाउ नैसडेक तो 2.25 लाख नई नौकरियां वहाँ पे जुड़ी हैं। अनुमान ये था कि 1,65,000 नौकरियां जुड़नी हैं और एक तबका तो बाजार का यही मान रहा था कि 1.5 लाख के भी नीचे नंबर आएगा तो उससे होगा क्या, फेड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाएगा। जब जुलाई में उनकी बैठक होगी तो दरें कम होती हुई दिखेंगी। 100 फीसदी संभावना थी अब तक, अगर आप देखिए जब तक ये आंकड़े नहीं आए थे और जब ये आंकड़े आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं जो होप्स हैं, जो एक उम्मीद थी कि दरें कटती हुई दिखेंगी, बातचीत तो ये हो रही थी कि 1/4 से लेकर 0.5 फीसदी तक की कटौती हो सकती है। अब जब ये आंकड़े आए हैं उसके बाद बातचीत ये चलने लगी है कि क्या 1/4 फीसदी कटौती होगी या तो फिर नहीं होगी फेड की ओर से ये कटौती, तो उसके ऊपर अब कश्मकश चलता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से यूएस के मार्केट्स गिरे। यूरोपियन मार्केट देखिए शुक्रवार को 0.5% तक गिरते हुए दिखे और ये जो उम्मीद जैसे जैसे खत्म हुई है तो एक आप देखिए क्रूड में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है और डॉलर में भी आप देखिए मजबूती का आलम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो फ्राइडे को हम रुपए की फ्रंट पे देखें तो 8 पैसे की मजबूती जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अब जिस तरह से डॉलर मजबूत हो रहा है तो एक तो क्रूड हल्का सा ऊपर है और करेंसी ने भी सपोर्ट नहीं किया तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे हक में नहीं रहता वो दिखेगा। तो नेट नेट देखा जाए ग्लोबल मार्केट संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं। ठीक है, यूएस मार्केट में आप फेड वाला हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि जो फेड का बयान है। अच्छा, ये एशियन मार्केट साथ ज्यादा कमजोर क्यों है? देखिए, पहली बात तो यही है जैसे मैंने कहा कि जो रोजगार के आंकड़े हैं यूएस में वो यही दर्शा रहे हैं कि फेड अब बहुत जल्द या बहुत बड़ी कटौती दरों में नहीं करता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो नौकरियों के आंकड़े आए हैं ये काफी चौंकाने वाले हैं। एक तो जो अनुमान था उससे ज्यादा है और मई का नंबर आपको याद होगा बहुत नीचे था, 1 लाख से भी कम नौकरियां जुड़ी थी, तो उसके बाद इस तरह के नंबर आना ये शायद इस चीज का भी इंडिकेशन है कि शायद एक एबरेशन तो नहीं था जो मई के आंकड़े आए थे। तो उसके बाद अब अगर आप देखें तो वो ट्रेंड नहीं है कि जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी रोजगार के आंकड़ों में, ये इन आंकड़ों से आप आंकलन लगा के चल सकते हैं। दूसरी बात, रिकॉर्ड ऊंचाई से जिस तरह से अमेरिकी बाजार फिसले हैं, जितना मजबूत स्ट्रक्चर था उसके बाद ये जो होप डिमिनिश हुई है उसका इम्पैक्ट आप देखिए एशियन मार्केट्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका सरोकार इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जो 10 साल की यील्ड है जो कि 2% के नीचे भी चली गई थी यूएस में, अब वो फिर से 2% के ऊपर आती हुई दिख रही है। तो उसका करेंसीज के ऊपर, बाकी जो जापानीज मार्केट है उनके जो बॉन्ड मार्केट्स हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है डिम्पी कि अब मॉर्गन स्टैनली बहुत नेगेटिव होता हुआ दिखा, उन्होंने ग्लोबल इक्विटीज को डाउनग्रेड किया है, एक साथ इक्वल वेट से रेटिंग घटाकर उन्होंने अब अंडरवेट की रेटिंग दे दी है और इनफैक्ट 2-3 कंसर्न है जो कि अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट करते हुए दिख रहे हैं। तो नेट नेट वो यही मानते हैं कि आने वाला समय काफी खराब हो सकता है, रिटर्न्स नहीं बनते हुए दिखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में, जिस वजह से उन्होंने ये बड़ा डाउनग्रेड किया है। उसका इंपैक्ट भी आप देखिए यूएस के मार्केट्स में नहीं था क्योंकि 7 जुलाई की रिपोर्ट है, एशियन मार्केट्स पहले रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो खैर इस रिपोर्ट के बारे में, मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है जिसमें पूरे ग्लोबल मार्केट्स को कमजोरी की बात रखी गई है सामने, ये रिपोर्ट भी हम आपके साथ अभी साझा करेंगे। लेकिन हैरानी की बात है, नौकरियां बढ़ने से बाजार गिरते भी हैं, ये यूएस के अंदर दिख गया। 2.25 लाख नौकरियों की उम्मीद थी, उससे ज़्यादा नौकरियाँ जुड़ी लेकिन फिर भी बाजार गिर गए। खैर कोई बात नहीं, भारतीय बाजारों पर आते हैं जहाँ पे नौकरियों को लेकर ही बजट बनाया गया है इस बार। अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात पता करता हूँ, फिर बजट के बारे में भी चर्चा करनी है आपसे। आवाज आ रही है आपको सर? गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो जरा निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे आज की रणनीति बताएं, फिर मेरे को बजट से जुड़े 2-3 सवाल है मेरे मन में, तो जरा उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा मैं।
देखिए डिम्पी, रेंज बाउंड मार्केट दिख रहे हैं आज, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट थोड़ा कम है, हल्का सा नेगेटिव साइड पर, जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है ग्लोबल मार्केट को लेकर वो बहुत बुलिश नहीं है, थोड़ा उसका असर भी पूरी दुनिया भर के बाजारों पर दिख रहा है, तो रेंज बाउंड बाजार रहने चाहिए, थोड़ा कमजोर खुलेंगे तो निचले स्तरों से हल्का सपोर्ट आएगा और मजबूत खुले तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि बजट के सेशन में बाजार काफी हल्के हो चुके हैं, पोजीशन कम हो चुकी है, 11,800 निर्णायक लेवल है निफ्टी पर और जो रेंज दिख रही है वो 11,700 से लेके नीचे की तरफ 11,700 ऊपर 11,900, अब बैंक निफ्टी पर आइए 31,500 निर्णायक लेवल है और 31,300-31,600 छोटी रेंज है, इस रेंज के बाहर निकलेंगे तो 150 पॉइंट का मूव और गिन लीजिए, इसकी संभावना वैसे कम है, तो ये आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रेंज मानकर चल सकते हैं, आज मेक और ब्रेक वाला मामला रहेगा, थोड़ी कमजोरी ग्लोबल मार्केट की, अगर ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल होते तो क्लियर कट आपको पता चल जाए कि बाजार का वर्डिक्ट क्या है बजट को लेकर, लेकिन हाँ हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के आसार है, उसे देखते हैं बाजार किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, इस बीच में एफआईएस के आंकड़ों में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक सिर्फ डीआईएस का कैश सेगमेंट में 275 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, इसका कोई असर होगा क्योंकि बजट निपट गया, अब यहां से कुछ आंकड़े बेहतर होते हुए दिखेंगे आपको क्या? मुझे लगता है आज से आंकड़े देखना ज्यादा ठीक होगा क्योंकि बजट के दिन के आंकड़ों में काफी कुछ एडजस्टमेंट है और आंकड़े हैं बेहद छोटे, थोड़ा सा इंडेक्स में बिकवाली की है, इसका मतलब ये है कि आप ये मान के चल सकते हैं कि वो 11,900-12,000 की रेंज में आते ही इंडेक्स में थोड़ी सप्लाई है तो वहां पर मार्केट इंडेक्स के लिए आपसे थोड़ा रुक सकता है। ठीक है सर, मैं बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन मेरे को पता करने हैं, पहला ये जो पब्लिक होल्डिंग में 25-35% की बात है यानी कि प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, और दूसरा बायबैक एक्सपेंसिव है जो कि जी बिजनेस से सबसे पहले एक्सक्लूसिव सबसे पहले आपको बताया था, तो इन दोनों का मार्केट ने अभी कितना रिएक्शन बाकी है? देखिए बायबैक वाला रिएक्शन तो थोड़ा थोड़ा और आ भी सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एक और चीज ये कि मैं उसे बहुत ज्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं मानता कि बायबैक के केस में होगा ये कि या तो अब कंपनी डिविडेंड देना शुरू करेगी या फिर बायबैक ही करती रहेगी, क्योंकि प्रमोटर्स के लिए अब भी बायबैक ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स को 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो उनके लिए टैक्सेबल होगा, तो वो अगर अपना फायदा देखेंगे तो फिर बायबैक करेंगे। हाँ ये अलग बात है कि पहले बायबैक में जितना पैसा बांटा जा सकता था या जितने पैसे का बायबैक किया जा सकता था उससे अब 20-22% पैसे का कम बायबैक होगा, तो उस लिहाज से इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा नुकसान की बात है, तो बायबैक की क्वांटिटी थोड़ी कम तो हो जाएगी, ये बात सही है पहली चीज। दूसरा, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो 10% बढ़ाने का विचार है सरकार का, उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव अभी नहीं होना चाहिए, दो तीन चीजें हैं डीपी, एक तो ये कि ये तुरंत नहीं हो रहा आज का आज, दूसरा ये कि सेबी की तरफ से इस पर ड्राफ्ट आएगा, फिर लोगों के विचार सुझाव मांगे जाएंगे, फाइनल गाइडलाइंस बनेगी और उसके बाद कम से कम 2-3 साल का टाइम तो दिया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे नीचे लाने के लिए, ऐसा नहीं होगा कि आप 6 महीने में ये सब खत्म कर दीजिए। देखिए इतना सेंस सेबी को भी है कि पौने चार लाख करोड़ की सप्लाई अगर इक्विटी में आएगी तो मार्केट ले सकते हैं क्या, ऐसा थोड़ी कि वो तुरंत नियम बना देंगे कि कल का कल आप खत्म कर दीजिए, 3-6 महीने का टाइम है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है और ये भी सिर्फ प्रस्ताव है, हो सकता है मार्केट का रिएक्शन देखकर वो ना माने, वो कहे कि ये प्रस्ताव है हम इस पर विचार कर रहे हैं हमें फिजिबल नहीं लगा, या 10% नहीं सिर्फ 5% और बढ़ाइए, 65% की जगह 70% रखिए, तो ये चीजें बहुत कुछ बदल सकती हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पर नेगेटिव होने की जरूरत है। नेगेटिव दो चीजें हैं, पहला जो डिविडेंड बायबैक पर जो टैक्स लगाया और दूसरा पेट्रोल डीजल के दाम जो तेजी से बढ़े हैं वो मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ब्याज दरें बढ़ने का घटने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाएगी, और तीसरी चीज ये कि पहले जो ऑटो सीमेंट स्टील सेक्टर नेगेटिव है उनके लिए मुश्किल भरा वक्त और बढ़ेगा, तो मुझे लगता है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना ज्यादा नेगेटिव है बजाय ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के। ठीक है सर, मैं एक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर नहीं बल्कि बतौर एक सीए के तौर पर आपसे पता करना चाहता हूँ, पर आपके क्लाइंट्स होते जिनके पास 75% होल्डिंग होती, आप उनको भी क्या कहते हैं कि सावधानी रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कहते हैं? बिल्कुल, कोई ऐसा बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की नहीं लगता, ना, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। ठीक, खाली इसमें एक ही सवाल उठता है दिन पे, अगर वित्त मंत्री की इच्छा भी है कि 10% से पब्लिक शेयर होल्डिंग और बढ़ाया जाए ऐसा प्रस्ताव रखे, बजट में बोलने की जरूरत क्या थी? सही बात है, नहीं भी बोलती है और वैसे प्रस्ताव सेबी की तरफ से आ जाता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, राय मांग रहे हैं, तो मार्केट का रिएक्शन वो नहीं होता, बेसिकली मार्केट की हेडलाइन बन गई और बजट के दौरान मार्केट तुरंत उस पर रिएक्शन दे दिया, तो
4 लाख करोड़ की सप्लाई आएगी। अगर बजट में नहीं बोला जाता तो बजट आपको अचानक से बढ़िया लगने लगता। ठीक है, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जब भरोसा मिलता है ना तो और पक्का हो जाता है मन। तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह सुबह राय देने के लिए। एक सीए और एक मार्केट एक्सपर्ट दोनों आपको ये बता रहे हैं कि इससे घबराने की बात है नहीं, पहली बात। दूसरा, हाँ, बायबैक थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, ये बात साफ दिख रही है। उसमें डिविडेंड के तौर पर अब कैसे कंपनी आज सामने आएंगी, एक तो ये बात। तीसरा, पेट्रोल और डीजल ये जो महंगा हुआ और हाथों हाथ स्टेट गवर्नमेंट्स ने बढ़ा भी दिए, उन्होंने भी कोई देरी नहीं लगाई, 2-2 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, ये थोड़ा मार्केट के लिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर और थोड़ा सा नेगेटिव है। बस इन तीन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 50 अंकों की गिरावट के साथ अभी एसजेक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते, एक ग्लोबल मार्केट के संकेत आपने देख लिए, मार्केट्स का एनालिसिस आपके सामने आ गया, आपने लेवल्स नोट किए होंगे। अब जरा खबरों वाले शेयर्स वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ी है वो सारे स्टॉक्स बताने के लिए। पूजा, बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स। जी, गुड मॉर्निंग टिम्पी। अब नतीजों का सीजन अब चालू हो चुका है और आज डेल्टा कॉर्प, गोवा कार्बन और स्टील स्ट्रिप्स व्हील, ये मिड कैप स्पेस से कंपनियां हैं जो कि आज अपने नतीजे घोषित करेंगी पहली तिमाही के, तो यहां पर नजर रखें। इसके अलावा माइंडट्री से भी जुड़ी एक घोषणा आ रही है, एलएनटी के हिस्सा खरीद के बाद अब कंपनी के जो मैनेजमेंट थे वहां से अब इस्तीफा का दौर चालू हो चुका है और 3 को-फाउंडर्स ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है, जिसमें कि कृष्ण कुमार नटराजन जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे और पार्थाती जी का भी नाम यहाँ पर सामने आया है जो कि वाइस चेयरमैन और सीईओ थे कंपनी के, तो इन सब का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है और पुरानी मैनेजमेंट का यहाँ पर इस्तीफा देखने को मिल रहा है, तो आज माइंडट्री फोकस में रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक पर भी नजर रखिए, एक और घोटाले की खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है और इसमें भूषण स्टील और पावर में ये घोटाला सामने आया है। 3,800 करोड़ का पीएनबी ने घोटाले की बात रखी 3,800 करोड़ रुपए की, ये पहले से उन्होंने आरबीआई को जानकारी नहीं दी थी, जब आरबीआई ने सारे उनसे पता किए थे कि अब सारे को बता दो, आप टोटल बता दो आपका कितना एनपीएस है, हम आपको पैसा दे देंगे, 2 बार सरकार ने पैसा दिया। टिम्पी, ये तो घोटाला आ गया ना सामने, डिफॉल्ट की तो बात ही नहीं आई, ये नया घोटाला यहाँ पर सामने निकल कर आया है और लेटर में क्लियरली मेंशन किया है कि फंड डाइवर्जन का मामला है, ये किसी ने रिपोर्ट किया है। अच्छा, और लेटर ये में अलग है। सामने आई, हाँ, ये घोटाला आया है, ये डिफॉल्ट का मामला है ही नहीं जो कि अब पीएनबी को पता चला है। तो नीरव मोदी का एक घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आया था, अब उसके बाद भूषण स्टील का, ये काफी बड़ा रकम है 3,800 करोड़ का, ये कह सकते हैं कि हम इसका असर दूसरे बैंकों पर भी हम देख सकते हैं आज पीएनबी के केस में। मारुति पर भी नजर रखिए, जून में उत्पादन की बिक्री के यहाँ पर आंकड़े आए हैं और कुल उत्पादन घटा है, सुस्त मांग के चलते फिर से उत्पादन घटाया गया है और 15.6% ये घटा है, तो आज मारुति पर भी नजर रखिए। कॉक्सिंग किंग्स यहाँ ये भी फोकस में रहेगा, एक काफी इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से सामने निकल कर आया है और हमने कुछ समय में देखा इस खबर के चलते कॉक्सिंग किंग्स में गिरावट भी काफी देखी गई थी। डिफॉल्ट पर कंपनी की सफाई आई है और उन्होंने कहा है वो जो 30 जून की जो डेट उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी वो गलती से रिपोर्ट हो गई थी, ये जो डेट है ये 5 अगस्त है, 5 अगस्त को 200 करोड़ के एनसीडी पर ब्याज का भुगतान होना है, तो एक्चुअली में ये जो डेट है ये 30 जून नहीं है, 5 अगस्त है, तो फिलहाल अभी कोई डिफॉल्ट नहीं आया है, कंपनी ने गलती से ये डेट बता दी गई थी, तो कॉक्सिंग किंग्स पर आज इसका एक रिएक्शन देखने की उम्मीद है। इंडियन ट्यूब पाइप पर भी नजर रखिए, एक झटका कंपनी के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार से जो एक ऑर्डर मिलना था करीब 500 करोड़ का वो अब यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और सरकार की योजनाओं में कुछ बदलाव हुए हैं जिसके चलते ये जो ऑर्डर मिलने वाला था कंपनी को ये रद्द हो चुका है, तो एक झटका कंपनी के लिए यहाँ पर दिखता हुआ। इंडिग्रिड ट्रस्ट पर भी नजर रखिए, कंपनी ने स्टरलाइट पावर के 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स खरीदे हैं और अब कंपनी का जो एयूएम है वो करीब 5,200 करोड़ से बढ़कर 10,640 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाएगा, तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग की, एक पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए, केयर ने कंपनी को क्रेडिट वॉच की श्रेणी में डाला था लेकिन अब लॉन्ग टर्म रेटिंग को उस श्रेणी से हटा दिया गया है और AA+ की रेटिंग दी है और आउटलुक भी स्टेबल रखा है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ठीक है, काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसके बेसिस पर आज आपको मार्केट का एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आप एक बार जरा एशियन मार्केट्स भी देख लीजिए। एशियन मार्केट्स में गिरावट थोड़ी बड़ी है, खासकर हांगकांग का बाजार जो करीब 400 अंकों के आसपास की गिरावट आपको दिखा रहा है। एसजेक्स निफ्टी ने भी अब 50 अंकों का नुकसान दिखा दिया, तो एशियन मार्केट्स में आज गिरावट बढ़ रही है, वजह यूएस से ही है, फेड के बयान को लेकर और साथ ही जॉब रिपोर्ट्स के आंकड़ों को लेकर। अभी तक आपने ग्लोबल मार्केट के संकेत देखे, आज की निफ्टी की रणनीति जान ली है, लेकिन निफ्टी के अंदर आज ट्रेड कैसे करना है ये हम आपके सामने कुछ लेवल के हिसाब से और बात रखते हैं। अरुण मंत्री आज के हमारे बाजार के मेहमान वो जुड़ चुके हैं। अरुण जी शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज कैसे करें ट्रेड सर, निफ्टी के अंदर एंट्री कैसे करनी है और एग्जिट कैसे लेंगे?
गुड मॉर्निंग डिपी जी। मॉर्निंग सर। देखिए जहाँ तक निफ्टी की बात है, एक अच्छा रिवर्सल फ्राइडे के सेशन में देखा गया था। मुझे लग रहा है और कुछ प्रॉफिट बुकिंग इस निफ्टी में करंट लेवल से भी आ सकती है, इसीलिए शॉर्ट करने की राय रहेगी। 11,860 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट सपोर्ट है 11,720 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी में बना हुआ है, तो नेक्स्ट सपोर्ट एक बार मार्केट जाना चाहिए जो 11,720 से 730 के आसपास है। तो कोई भी राइस पर शॉर्ट करें, 11,860 का स्टॉप लॉस लगाएं और 11,730 का टारगेट रखें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बार 800 टूटेगा गैप के साथ, टूटेगा तो 720 तक आएगा, ये 11,720 के टारगेट नोट कीजिएगा। अब बाजार अगर पक्का होना होगा तो 11,860 के ऊपर ही जाके पक्का होगा। सर आपके आज के ट्रेड कौन से अरुण जी? पहला स्टॉक होगा आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लग रहा है कुछ बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ मुझे फ्राइडे के सेशन में भी नजर आई थी, तो कुछ फॉलो बैंक आईसीआईसीआई बैंक में आ सकती है। तो 429 के स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई बैंक को बाय करें, 4445 का स्टॉक टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा हीरो मोटो। हीरो मोटो में शॉर्ट करने की राय रहेगी, ओवरऑल ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है काफी वीकनेस नजर आ रही है, तो हीरो मोटो को शॉर्ट करें, 2550 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2420 का टारगेट रखें। बहुत शुक्रिया आपका दोनों ट्रेड देने के लिए। आईसीआईसीआई बाय, हीरो मोटो को सेल, लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे, जरा और लेवल्स भी नोट कीजिए। आईडीबीआई कैपिटल की रिकमेंडेशन है, वो कह रहे हैं कि पीवीआर के फ्यूचर्स में खरीदारी की जा सकती है, बिकवाली करने की राय है। वो कह रहे हैं इसको बेचें, 1630 का टारगेट है। एक और ट्रेड भी उन्होंने बिकवाली कर दिया है, वो दिया है अस्पताल वाला शेयर, अपोलो हॉस्पिटल। आप यहाँ पे भी बिकवाली कर सकते हैं, शेयर चला था लेकिन अब कमजोरी के चपेट में आ रहा है। 1272 आज का टारगेट होगा, 1335 आज का स्टॉप लॉस है। आप इसको नोट कर लें तो फोटो खींच लें। दूसरी बात, एक्सेस सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन है, ये भी मंदी में आ गए एकदम से। इन्होंने कहा है कि SRF अब नहीं चलेगा, 2920 का पहले टारगेट है, 30,025 के ऊपर ही मजबूत हो तो का, इसलिए इसको आप स्टॉप लॉस रखिएगा, बेचना चाहें तो ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इंट्राडे बेचना चाहें तो फिर 3025 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। L&T फाइनेंस, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी करके चले, ये इकलौती अभी तक की कॉल है जहाँ पे खरीदारी की राय है, जो हमने ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने बताए, चार रखा, एक में सिर्फ L&T फाइनेंस ही एक ऐसा शेयर है जहाँ पे खरीदारी की राय है। अब जरा कमोडिटीज मार्केट के भी सौदे नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी एक्शन रहेगा। US के अंदर कुछ भी होगा ना तो आपको गोल्ड सिल्वर पे असर उसका पड़ेगा। जैसे जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आए कि US में नौकरियां ज्यादा हैं 2.5 लाख, तो जो हेज वाला कमोडिटीज है वो गिर गया, सोना गिरा और 34,450 तक आज चला जाएगा, एक और गिरावट आएगी, ये अमित सजेजा का कहना है। यही बात सिल्वर पे भी लागू होती है, सिल्वर भी टूटेगा। उनका यह कहना है कि अभी थोड़ा और कमजोर हो सकता है ये, आज का जो टारगेट है आपका वो 37,800 तक का टारगेट है। कच्चे तेल पे भी आप चाहें तो बिकवाली कर सकते हैं एक बार। उनका भी मानना है कि यहाँ पे आपको दबाव देखने को मिलेगा और ये 3880 रुपये तक का टारगेट है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो तीनों बेचने की राय है आज, देखते हैं। हालांकि वैश्विक मंदी की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एथिकली तो इनको चलना चाहिए, लेकिन जो US का जॉब डाटा है उस पर भी रिएक्शन देना इंडियन मार्केट्स का बाकी है। दिवांशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिस रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं वही रिपोर्ट बताने के लिए। दिवांशी, सबसे पहले तो वही रिपोर्ट बताएं जिसमें ये कहा गया है कि ग्लोबल मंदी आ सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली फाइनली ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से रिटर्न्स वो यहाँ से आगे आने वाले टाइम में प्रेडिक्ट कर रहे हैं या उनका जो अनुमान है वो लगातार आप वहाँ पे गिरावट आती हुई दिख रही है, तो उनको लगता है कि अगले एक साल में जो रिटर्न्स आने वाले हैं सारे ही मार्केट से वो लगता है कि काफ़ी नीचे आते हुए दिख सकते हैं, घट सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विडिटी की जो चिंता है वो पूरे दुनिया में बन चुकी है और इसी के चलते वो ग्लोबल इक्विटी की जो रेटिंग है उन्होंने घटाकर अंडरवेट कर दी है। और साथ ही वो ये भी मानते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स पर वो पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, जापान पर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और साथ ही अमेरिकी मार्केट्स पर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन अब उनको लगता है कि यूरोप और जापान उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, यहाँ से उनको सबसे ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद या गुंजाइश उनको लगती है। साथ ही वो मानते हैं कि एक रिटर्न्स थोड़े से कम आते हुए दिख सकते हैं और साथ ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने यहाँ पे लाइट किया है, वो मानते हैं कि दुनिया भर में अगर आप देखें तो 1990 से पिछले 17 साल या 18 साल से अगर हम देखें तो ये जो 3 महीने का पीरियड होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, ये 3 से 4 महीने में जो रिटर्न्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कम बनते हैं, इसके चलते वो 3 या 4 महीने पर कॉशियस रहने की भी राय दे रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि एक कमज़ोर ग्रोथ है, ट्रेड वॉर की चिंताएं अभी भी बनी हुई है, पूरी दुनिया में थोड़ी सी अनसर्टिनिटी है, इसी के चलते उनको US मार्केट्स नहीं पसंद है, इमर्जिंग मार्केट्स में उनको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। साथ ही आज मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया पर भी स्ट्रैटेजी बजट के बाद कही है, उन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर थोड़े से बदलाव किए हैं, टाइटन और भारत फाइनेंशियल अब फोकस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं और अब उन्होंने 2 और नए स्टॉक्स शामिल किए, जुबिलेंट फूड और साथ ही M&M फाइनेंशियल्स, ये दोनों स्टॉक्स उनको ज्यादा पसंद है, फाइनेंशियल्स पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं।
एनबीएफसीज में लिक्विडिटी की चिंता अब खत्म होती हुई दिखेंगी। बजट के बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल्स पर भी फिलहाल पॉजिटिव हैं। क्रेडिट स्विस की आज इंडसइंड बैंक पर आज दमदार रिपोर्ट आती हुई दिखी। 1800 तक के लक्ष्य के साथ आउट परफॉर्मेंस रेटिंग के साथ उन्होंने फिर से एक बार कवरेज शुरू की है। मानते हैं कि जो कामकाज मुनाफा है और प्रोविजन कवरेज रेशियो वो काफी कम होता हुआ दिख रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा घटेगी नहीं मर्जर के कारण, लेकिन इसके बावजूद ग्रोथ उनको दिख रही है और इसी के चलते उनको लगता है कि 1800 तक के लक्ष्य वो दे रहे हैं। साथ ही आज सीएलएसी की रिपोर्ट आई है बजट पर और वो के चलते कि जितने भी यहाँ पे इंफ्रा कंपनीज हैं उन पे वो काफी पॉजिटिव है और यूटिलिटीज यानी कि पावर कंपनीज पर पॉजिटिव हैं। एनटीपीसी, सद्भाव, आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनीज है जो उनको पसंद है और अदानी पोर्ट्स पसंद है। मानते हैं कि जो रेलवे है वहां पे जो अनुमान किया था उससे बजट का खर्च थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन बजट में रास्ते पर जो खर्च है वो अनुमान से ज्यादा है। सेस में भी जो बढ़त उन्होंने की है उसका भी फायदा कहीं ना कहीं जो इंफ्रा कंपनीज है उनको मिलता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया इस सारे की सारी रिपोर्ट्स हमको बताने के लिए।